नेशनल चैम्बर आगरा ने अपने कार्यकाल 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 जनवरी 2024 तक 300 दिन की गतिविधियों में तूफानी गति से कार्य करते हुए तमाम उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसमें 250 बैठकें, 20 लाख की FDR, 150 नए सदस्यों को चैम्बर से जोड़ने के साथ 1200 से अधिक सदस्यों के सदस्यता शुल्क का भुगतान प्राप्त किया है। इसके अलावा करीब 24 मुद्दों को लेकर शहर के विकास और समस्याओं पर आगे आकर बृहद भूमिका का निर्वहन कर चैम्बर को शीर्ष पर पहुँचाने का अद्भुत कार्य करते हुए लोगों और सदस्यों के बीच विश्वास की परम्परा स्थापित की है। इसी विषय को लेकर चैम्बर अध्यक्ष राजेश गोयल ने अपनी टीम के साथ प्रेस वार्ता कर अपने 300 दिन के कार्यकाल की उपलब्धियों को मीडिया के समक्ष साझा किया। साथ ही उन्होंने और उनकी टीम ने यह दोहराया कि प्रथम वर्ष में टीम ने चैम्बर का जो मजबूत फाउंडेशन तैयार किया है, अगर उन्हें पुनः मौका मिलता है तो ये टीम पूरी ऊर्जा, ताकत और निष्पक्षता के साथ चैम्बर की प्रगति, शहर के विकास और उद्योग को ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य करेगी। 300 दिन हमारे चैम्बर की जो साल का कार्यकाल था उसमें 300 से ज्यादा दिन हो गए। इसमें हमारी हम पूरी अपनी टीम को धन्यवाद और साधुवाद देते हैं, जिन सबने मिलकर आगे सबके संगठित प्रयासों से हमने 250 से अधिक मीटिंग करते हुए और चैम्बर के जो भी उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने में जो जो हम अपनी भूमिका अदा कर सकते थे, हमने सक्रियता से निरंतर रहते हुए धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों के संयोजन से और सभी जगह सभी वर्गों को जोड़ते हुए सभी सदस्यों को जोड़ने का प्रयास किया है और हमने इसी कारण सदस्यता भी बढ़ाई है। अर्थ में भी जो हमारा योगदान हो सकता था हमने किया है और सब जनों को संग लेते हुए और हमने यही प्रयास किए हैं कि उद्योग और व्यापार को यहाँ का सर्वांगीण विकास हो शहर में और जो धार्मिक पर्यटन और जो आगरा को अध्यात्म नगरी है जो हमारी, उसमें जो भी हमारे को प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो मदद मिल सकती है उससे हम सबका कार्य कराएं और जो भी सरकार की योजना है उन सबको हम यहाँ जागरूक कर रहे हैं अपने सदस्यों को, जिससे कि सदस्य जागरूक होकर उन सब योजनाओं का लाभ उठाते हुए अपने उद्योग और व्यापार में सक्रियता लाएं और उसको बढ़ावा दें। आगे भूमिका क्या रहेगी चैम्बर की? आगे भूमिका यही रहेगी कि सब संस्था सब सदस्य को ये लगे कि संस्था उनके साथ है, एक छोटे से छोटे सदस्य का भी काम पूरा हो, कोई उसको यहाँ पर जितनी भी यहाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो भी दिक्कतें आती हैं हम यहाँ पर निरंतर कैंप लगा के उनका निराकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा कार्य है कि कामों को कोशिश करें और सरकार को पत्र लिखकर और फॉलो अप कर सर जो भी यहाँ के रुके हुए काम है उनको आगे बढ़ाएं। एयरपोर्ट पे काम आगे काफी बढ़ गया है और उम्मीद है कि आने वाले सालों में जरूर एयरपोर्ट का पूरा काम हो जाए। चैम्बर के द्वारा जितना कार्य इस साल किया गया भविष्य में कई सालों से विगत वर्षों में नहीं हुआ, यही चैम्बर की बहुत बड़ी सफलता है और निरंतर सहयोग से एक नई मिसाल कायम की चैम्बर ने इस वर्ष, जो इससे पहले शायद नहीं हो पाई थी और आगे भी जो समय बचा है उसमें भी चैम्बर कुछ प्रोजेक्ट अभी पड़े हुए हैं हमारी पेंडिंग में, उनको पूरा करेंगे। इसी आशा के साथ हम सक्रिय हैं कार्य करने में और हमारा मेन उद्देश्य है व्यापारिक गतिविधियों हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, साथ में जो एक सामंजस्य होता है कि धार्मिक का भी, वो हमारे देश की परपाटी है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी धर्म भी करती है और वैसा काम भी करती है, तो हम उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। GST को लेकर भी काफी समस्याएं हैं, आज ही पढ़ा होगा पेपर में आपने कि GST के लिए नया ऑर्डर आ गया, आज ही आया है कि पहले वो उनसे पूछेंगे, कंप्लेंट बताएंगे, उसके बाद सर्वे करेंगे, ऐसा आज के पेपर में है। चैम्बर इस वर्ष काम करता रहा है और पिछले वर्षों में और इस वर्ष में चैम्बर ने काफ़ी इसमें काम किया है, चाहे वो गैस का क्षेत्र हो, चाहे GST का क्षेत्र हो, चाहे नगर निगम का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमने व्यापारियों की समस्याएं सुनी है और हर संभव प्रयास किया है उन्हें सुलझाने का और आगे भी इस प्रयास को हम निरंतर करते रहेंगे। रही आगरा के विकास के ऊपर तो उस पर भी चैम्बर निरंतर मंत्रालयों को और पत्र संबंधित मंत्रालयों को पत्र लिखता आ रहा है और कई चीज़ों में हमें सफलता भी मिल रही है धीरे धीरे, लेकिन चूंकि इन कामों में थोड़ा सा समय लगता है तो उम्मीद ये है कि आने वाले टाइम में आने वाले वर्षों में चैम्बर की ये उपलब्धि हमारे नाम आए।